इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पन्ना के पवई नगर से। पन्ना के पवई नगर में महाविद्यालय द्वारा डिग्री बेचे जाने की खबर सामने आई और साथ ही साथ यहां पर नकल भी करवाई जा रही है। क्या है पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता मनोज दुबे। आइए जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला। जी मनोज जी बताएं क्या है पूरा मामला। सर ये पवई नगर के हृदय स्थल पर स्थित है संदीपनी जी कॉलेज जी। यहाँ पे काफी दिनों से ये कृत्य चल रहा है जी, और जब मीडिया को ये सूचना मिली तो मीडिया पहुंची वहां पे तो संचालक द्वारा कम से कम 20 मिनट तक जी अंदर नहीं घुसने दिया मीडिया को जी। इसमें फिर हम लोगों ने तहसीलदार को जब कॉल किया तो तहसीलदार साहब जब पहुंचे तो तहसीलदार को भी धक्का मुक्की करनी पड़ी जी, तब जाके वो अंदर पहुंचे। तब वहां कम से कम एक दर्जन से ज्यादा मोबाइल जी और 6-7 वो नकल के चुटके पकड़े गए हैं जी, और ब्लूटूथ जैसी कई चीजें जी मतलब मिली हैं जी। मनोज क्या कहेंगे आप, संदीपनी महाविद्यालय एक कॉलेज है जो कि संबद्ध लगता है ग्रामोदय विश्वविद्यालय से। जब इस तरह के शिक्षा का व्यापार कहीं किसी जगह पर होता है तो विश्वविद्यालय पर तो धब्बा लगता ही लगता है, उस शहर पर भी ये बदनुमा दाग बनता है, क्या कहेंगे आप? ये संचालक द्वारा बहुत गंदा काम है और संचालक की ये काफी मनमानी है और ये गुंडागिरी कही जाएगी इसके लिए जी, ताकि पत्रकारों को कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन पत्रकारों के साथ भी इन्होंने धक्का मुक्की की, कम से कम 20 मिनट तक इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जी, जी, और जी, तो और तहसीलदार महोदय जी को जब बुलाया गया तो उनके साथ भी यही मतलब हाल हुआ, तब जाके मतलब अंदर पहुंचे वो। क्या लगता है मनोज, जब तहसीलदार जैसे उच्च अधिकारी को संचालक ने जाने से रोका, फोन उनका लेने की बात कही, मीडिया के सामने अपनी हेकड़ी दिखाई, मीडिया से भी बदतमीजी की, क्या कहेंगे अगर प्रशासन की अब जो कार्रवाई होती है आगे, तो क्या इसका असर उस कार्रवाई में देखने को मिलेगा मनोज? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अपन को लग रहा है कि जब तहसीलदार जी ने ये जब्ती बनाई है मोबाइल की और कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आदेश दिए हैं तो निश्चित है इस पर मतलब संचालक की हेकड़ी तो खत्म होनी होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो कम से कम ये नाशर्मी वाली बात है प्रशासन के लिए। एक तहसीलदार एक उच्च अधिकारी माना जाता है जी, लेकिन जब उन्होंने खुद गिरफ्तार किया इस चीज के लिए, देखा है उनने जी कि हाँ ये गंदा काम चल रहा है कॉलेज में, मोबाइल जैसे पदार्थ जैसे यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ नकल मिल रही है, तो निश्चित है कि ये इस पर कार्रवाई होगी जी। ग्लोबल इंडिया टीवी के दर्शकों को हम बता दें पवई में तथाकथित संदीपनी महाविद्यालय है जो ग्रामोदय विश्वविद्यालय से संबंध रखता है। यहाँ के संचालक ने मीडिया से तो बदतमीजी की ही की, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार लेवल के अधिकारी तक को फोन ले जाने से मना किया, ये संचालक की कहीं ना कहीं दबंगई दिखाती है। हालांकि प्रशासन अपनी कार्रवाई आगे करेगा, पर शिक्षा का यह गंदा खेल पवई में देखने को मिला, जिसकी पूरी जानकारी ग्लोबल इंडिया टीवी के पत्रकार मनोज दुबे ने दी। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। ग्लोबल इंडिया टीवी में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, ताजा अपडेट के लिए बने रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी के साथ। हिंदी इंग्लिश और संस्कृत के विषय के एग्जाम चल रहे हैं, उसका औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें जब अंदर जाकर के देखा गया तो कुछ छात्रों के पास ब्लूटूथ और ये डिवाइस मिले और ये 6 मोबाइल मिले हुए हैं जो कर्मचारी और प्यून के थे, और एक बच्चे के पास एक ये नकल का प्रकरण ये कागज मिला हुआ है जिसे जब्त करके और उसका प्रकरण बनाया जा रहा है। नगर के हृदय स्थल में शिक्षा के नाम पे इतना बड़ा खेल ये कई वर्षों से चल रहा है, इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करने वाला है? अब इसकी जांच कराई जाएगी, अभी तो संज्ञान में नहीं था, आज संज्ञान में आई है बात, उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। अभी जैसा कि देखा कि सारे मीडिया को संचालक ने बाहर धक्के दे के निकाला है, और आपका भी अब जब चूँकि आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं और कुछ अधिमान्य पत्रकार मध्य प्रदेश शासन थे उनको अथॉरिटी रहती है ये सब अंदर जाने की, लेकिन फिर भी संचालक ने केवल नकल में पर्दा ना ढके, पर्दा में डला रहे, और इसके लिए जो है आपका भी मोबाइल अलाउ नहीं किया, क्या कहना है? हाँ हमारा मोबाइल पहले ले जाने नहीं दे रहे थे, बाद में जब उन्हें समझाया गया तो फिर मोबाइल हम अपना लेके गए थे, और क्योंकि एग्जाम अंदर चल रहे हैं डिस्टर्बेंस ना हो सकता है, इस वजह से पत्रकार बंधुओं को ना जाने दिया जा रहा हो या और कोई रीजन होगा तो उसका पता लगाएगा। प्रथम दृष्टया आपको क्या समझ में आ रहा है सर?
नकल के नाम पे कैसा खेल है? क्योंकि ये सामने रखे हुए डिवाइस रखे हुए हैं और एक व्यक्ति का प्रकरण मिला हुआ है, तो ऐसा तो लग रहा है कि कुछ सभी कमरों में तो नहीं, एक आध कमरों में एक बच्चे का नकल प्रकरण पाया गया है माँ की ओर।